अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है हैश ब्राउन। ये फास्ट फूड रेसिपी है, तो आज इंशाल्लाह हम हैश ब्राउन आपको बनाना सिखाएंगे। और जो लोग नए हैं मेरी वीडियो पर, अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा यूज़ होंगे, वो देख लेते हैं और फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। ये अब मैंने इन्हें कद्दूकश कर लिया, आलू सारे के सारे कद्दूकश हो गए। अब मैंने एक बाउल में ये ठंडा यख पानी लिया बर्फ़ वाला, ठीक है। इसके अंदर अब मैं ये सारे के सारे डाल दूंगा और इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। ये जी अब इसके अंदर डाल दिए, ये बर्फ़ वाला पानी है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए इन आलुओं को इस पानी के अंदर ही छोड़ दूंगा। अब बाकी देखते हैं क्या करना। ये अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं जी इसे ठंडे यख पानी के अंदर। अब मैं एक कपड़ा मैंने ले लिया आपके पास, जो उन सा भी हो, माल माल का, किसी भी चीज़ का, इसे पुनने के लिए, ताकि इसका पानी जो है ना वो सारे का सारा निकल जाए। तो ये इसके अंदर मैंने कर लिया, इसे अच्छी तरह आप निचोड़ लेंगे। कोई भी आप कपड़ा ले लें, मलमल वगैरह का, किसी भी चीज़ का, बस इसका पानी अच्छी तरह निकलना चाहिए। ये अब मैंने 2 चम्मच घी के डाले हैं जी। अब इसके अंदर ये जो आलू मैंने कुक किए थे, ये मैंने सारे आलू डाल दिए हैं। ऑयल, घी, मक्खन कुछ भी आप डाल सकते हैं, बस वो ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। अब इसे हम 5 मिनट बस पकाएंगे ताकि ये हल्के से गल जाए। देखें जी इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अगर तो आपके पास नॉनस्टिक बर्तन है फिर तो इसे इतना मसला नहीं होगा। अगर आपके पास नॉनस्टिक बर्तन नहीं है तो फिर आपने इसे साथ साथ चलाते जाना ताकि ये नीचे ना चपके। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं और ये दरमियाना सा, ये 70% पक चुके हैं। अब बस ये पक गए, इसे अब ठंडा करेंगे। ठंडा करके आगे क्या करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें जी, ये हमारे वो करने के बाद अब ये ठंडे हो चुके हैं। ठंडा लाजमी करना, गर्म के अंदर नहीं, इसे आपने डालना सारा, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये चावलों का आटा है जी, चावलों का आटा हम 2 चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच चावलों का आटा। उसके बाद हमारे पास ये कॉर्न फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर भी हम तकरीबन 2 चम्मच ही डालेंगे। उसके बाद ये चाट मसाला है, ये मैं खुद डालता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप इसकी जगह सुर्ख मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं लेकिन चाट मसाला डाल रहा हूँ। उसके बाद ये सूखा धनिया, ये आधा चम्मच होगा, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए पाउडर वगैरह आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। नमक है जी, नमक मैंने आधा चम्मच लिया तकरीबन, तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद ये आधा चम्मच काली मिर्च। अब ये हमारे पास एक साइड पर चैटर चीज़ है, एक साइड पर मोज़रेला चीज़ है। अब मोज़रेला और चैटर हम दोनों इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने मोज़रेला डाल दी जी सारे। आज मैंने आपको रख कर नहीं दिखाया, जैसे हम पहले रख कर दिखाते थे कि ये इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने खुद किया। इस दफ़ा मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये जी हमारी चीज़ आ गई, अब ये हो गया। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को।
अब ये देखें जी, ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है जी, ये वाली फॉर्म बन गई है। और अब हम इसका क्या करेंगे जी, ये चीज़ आ गई, ये अब हाथ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, ठीक है जी, ताकि ये चिपके ना। और अब आपने इसे लेकर इस तरह जैसे नगेट्स की शेप होती है, आपने उसे इस तरह बना लेना। और यहीं पर आप इसका नमक मिर्च वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं कि फीका तो नहीं है। मैंने कर लिया और ये बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, इस तरह मैं बना कर रखता जाऊंगा। जैसे नगेट्स होते हैं वैसे बना सकते हैं, गोल चाहें तो गोल बना सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह ये। अब इसके बाद सिर्फ इसे पैन में घी लेकर और आपने इसे तल लेना। ये देखें जी, ये हो गया। अब इसी तरह मैं सारे के सारे बना लूँगा। ये देखें जी, ये मैं सारी मैंने बना ली हैं इस साइज में नगेट्स की तरह। आप साइज अपनी मर्जी से कर सकते हैं, गोल बड़ा छोटा जिस तरह आप हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगा। ये मैंने तवे के ऊपर घी डाल दिया थोड़ा सा, आप फ्राई पैन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसके ऊपर अब मैं फ्राई करूँगा इसे। अब ये हमारा गर्म हो चुका है, ये मैंने रख ली है, अब मैं ये फ्राई करने लगा। आग को आप नीचे से काम रख लीजिएगा चाय, ठीक है जी, टूटेंगी नहीं, ये बेफिक्र रहिएगा। आपके पास अगर नॉन स्टिक फ्राई पैन है या नॉन स्टिक पैन है तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। ये देखें जी, ये सारे हमारे तैयार हो गए हैं। कलर इनका देख ले कितना प्यारा और खूबसूरत आया, ये सारे के सारे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे अब हैश ब्राउन रेसिपी तैयार हो गई है जी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया, और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आप घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लें जी, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।